अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 17, पेज 17 चैप्टर में, पेज 17 पेज 17 का टॉप फाइनेंशियल लायबिलिटीज की रीक्लासिफिकेशन नहीं होती, रीक्लासिफिकेशन सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स की होती है। बस बात खत्म। हाँ खत्म। डी रिकग्निशन फाइनेंशियल लायबिलिटीज में बाय डिफॉल्ट अमॉर्टाइज कॉस्ट ही है, और अगर पैदाइश पे शर्त कसम खाई हो तो पीएनएल है। फिर उसके अलावा एक दो स्पेशल चीज़ें हैं डेरिवेटिव्स वगैरह की, तो वो स्पेशल सिनेरियोज में ही वो मेथड लगते हैं, अदरवाइज अमाउंटाइज कॉस्ट ही लगते हैं, तो इसलिए इसमें नहीं होती रिक्लासिफिकेशन। डी रिकग्निशन ऑफ एसेट, क्या मतलब डी रिकग्निशन? नहीं, बुक्स में से निकाल दिया, बुक्स में से निकाल दिया। अच्छा, इसमें मैं आप जो जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे पढ़ाऊंगा उतना उतना देखते जाते हैं। एसेट यानी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स या डेटर्स या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बुक्स में से कब निकल जाएंगे? जब पैसे मिल जाएंगे, और टाइम पूरा हो जाए तो क्या? पैसे मिल जाएं, शेयर्स को बेच दें, ठीक है, या डिवेंचर? नहीं नहीं, एक है पैसे मिल के बात खत्म हो गई, और एक है एसेट को बेचना, ये दो अलग अलग चीज़ें। अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं तो वो हमारे पास से कैसे खत्म? चोरी हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, बेचेंगे तो खत्म होंगे। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स वो कागज थोड़ी शेयर होते हैं, इनके पास रिकॉर्ड है, अवेलेबल है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स रिडीम होके पैसे सारे मिल जाएं खत्म, या फिर डेटर्स पैसे मिल जाएं हो गया, या फिर वो भी बेच सकते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स बेच के भी हमारी बुक से निकल सकते हैं, और पैसे मिलके खत्म भी हो सकते हैं। सेल रिटर्न्स, हाँ चले ये भी ठीक है, सेल रिटर्न्स होके खत्म हो जाए। तो अगर तो पैसे मिल गए और बस हमारा राइट खत्म, मजीद राइट नहीं रहा, पैसे मिल गए। ये मैं हूँ पेज 17 तकरीबन मिड, पॉइंट नंबर 1। पेज 17 चैप्टर में तकरीबन मिड, पॉइंट नंबर 1। फाइनेंशियल एसेट डी रिकग्नाइज हो जाएगा जब, पॉइंट ए, या तो फाइनेंशियल एसेट एक्सपायर हो गया। अच्छा, इसमें वो चीज़ भी कवर हो जाएगी जिसमें पैसे पूरे मिल गए, बस अब मजीद राइट नहीं रहा। ये भी हो सकता है कि डेटर से पैसे लेने का हमारा हक था, हमने उसको फॉलो भी नहीं किया, अब वो 3 साल से पुराना हो गया, ना वो पैसे पैसे देने आ रहा, ना हम पैसे लेने जा रहे हैं, अब हमारा लीगल राइट ही ख़त्म हो गया। ज़रूरी नहीं है 3 साल, टाइम बार 3 साल, 3 साल होता है ना, हाँ, तो अब हम ही नहीं पूछने जा रहे थे, हमारा राइट एक्सपायर हो गया। तो अगर हमें पैसे मिल के ख़त्म हो जाए, या वैसे ही हमारा टाइम गुजरने की वजह से टाइम बार एक्सपायर्ड हो जाए, ये नंबर ए है। और नंबर बी, अगर हम अपना एसेट किसी को दे दें तो वो है ट्रांसफ़र, लेकिन ट्रांसफ़र करना तब ट्रांसफ़र करना माना जाएगा अगर पॉइंट 2 में लिखी कंडीशंस पूरी होंगी। तो सारी की सारी कंडीशन, यानी दोनों की दोनों कंडीशन, पॉइंट नंबर 2, दोनों में से कोई एक, ए या बी, पॉइंट नंबर 2, ए या बी में से कोई एक पूरी हो गई तो ये ट्रांसफ़र है, तो भी बुक्स में से निकल जाएंगे, और अगर पैसे मिल गए तो फिर तो निकालना ही है बुक्स में से। अब ट्रांसफ़र की दो कंडीशंस क्या हैं? नंबर ए, हम पैसे लेने का हक किसी को बेच दें, जैसे हमने डिवेंचर्स अगर किसी को बेच दिए तो डिवेंचर्स बेचने ही तब माना जाएगा
जब आइंदा से उन डिवेंचर्स के पैसे लेने का हक हमारा नहीं रहा तो हमने वो पैसे लेने का हक किसी को बेच दिया। तो ये पॉइंट ए पूरा हो गया। पॉइंट बी ये है, ये समझ लें, पॉइंट बी ये है कि हमने डिवेंचर्स किसी को बेचे लेकिन ऑफिशियली उसके नाम नहीं किए। ये बात दोबारा सुने, हमने डिवेंचर्स किसी को बेचे, ऑफिशियली उसके नाम नहीं किए, लेकिन हमारा एक साथ एग्रीमेंट हो गया कि हमने तुम्हें बेच दिए डिवेंचर, पैसे ले लिए उससे, लेकिन जिस कंपनी के डिवेंचर्स हैं उनको नहीं बताया। अब कल को क्या होगा? इंटरेस्ट हमें ही मिलेगा, लेकिन हमने तो दूसरी पार्टी को बेच दिया। तो हमने अपनी जिम्मेदारी बनाई है कि जैसे ही हमें वहां से रिकवरी होगी हम तुम्हें एज इट इज तुम्हारे हवाले कर दिया करेंगे। ये वाली बात दोबारा सुनिए। मैं इस वक्त पेज नंबर 17 पे हूं और जाग रहे हैं, बैठ के पढ़ाने में कोई मसला तो नहीं? नहीं, खड़ा हुआ जा रहा, नी इंजर्ड है, रिटायर्ड हर्ट। पेज नंबर 17 पे हूं, पॉइंट नंबर टू में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर तब मानी जाएगी अगर इन दोनों में से कोई एक बात हो। ए, सिंपल सी बात है, हमने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स बेच दी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बेच दी, तो अब उसके बदले जो भी कल को कोई भी कैश मिलेगा वो लेने का हक दूसरी पार्टी का, सिंपल सी बात है, बेच दी। बी ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट बेची जरूर है लेकिन ऑफिशियली नहीं बेची। ऑफिशियली नहीं बेचने से मुराद ये है कि जिस कंपनी के शेयर्स थे, जिस कंपनी के डिवेंचर्स थे, उनके पास रजिस्टर नहीं करवाया। कल को जो भी कैश मिलेगा वो ऑफिशियली हमें मिल जाएगा, जबकि हम तो वो डिवेंचर मिस्टर ए को बेच चुके, तो जब उसको बेचे थे तो पैसे भी लिए होंगे उससे, लिए होंगे, लेकिन साथ उससे वादा किया था कि जैसे ही हमें जितनी भी रिकवरी होगी कंपनी से सारी एज इट इज तुम्हें फौरन के फौरन दे दिया करेंगे, और अगर कोई रिकवरी ना हुई तो उसकी टेंशन है, हमने अपने सर से जिम्मेदारी उतार दी। तो ये है एसेट को बेचना, लेकिन ऑफिशियली पैसे हमारे पास आएंगे, हक हमें होगा पैसे रिसीव करने का। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल ओनर हम होंगे और साथ जिम्मेदारी होगी कि हमने वो कैश अगले पार्टी को देने, तो भी ये बेचना माना जाएगा, हालांकि ऑफिशियल ओनर तो हम अब भी हैं, लेकिन चूंकि इन सब्सटेंस हम ओनर नहीं रहे, हमें जो मिलना है वो हमने आगे ट्रांसफर कर देना है। और हमें सारे में क्या हुआ, हमें सारे में क्या फायदा हुआ? हमने आज इन्वेस्टमेंट उसको बेच दी। ये ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई जमीन बेची, कोई घर बेचा लेकिन कागजात नाम नहीं करवाए, रजिस्ट्री अभी अपने नाम पे ही है। कोई गाड़ी बेची लेकिन गाड़ी की रजिस्ट्री अपने नाम पे ही है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेचे लेकिन ऑफिशियली नहीं बेचे, तो फिर जो भी कल को रिकवरी होगी, इंटरेस्ट, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, वो सब दूसरी पार्टी के हवाले कर देंगे, और अगर ना मिल सका तो भी रिस्क दूसरी पार्टी का, तभी तो हमारे सर से उतर गया। ये पॉइंट नंबर बी पढ़ लें, रिटेन्स द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश फ्लो बट अज्यूम्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे द कैश फ्लो। यानी कैश फ्लो मिलेगा हमें, क्यों हमें मिलेगा? क्योंकि ऑफिशियल ओनर हमें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जिस पार्टी को बेचा है वो हम उसके हवाले कर देंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फॉलोइंग तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हो। अब ये फॉलोइंग तीनों कंडीशंस क्या है? पॉइंट नंबर वन, अगर उस कंपनी से ही पैसे ना मिले तो हम जिम्मेदार नहीं है, जो हमें मिलेगा हमने वही पैसे आगे ट्रांसफर करने हैं, हम डाकिए हैं, हमें पैसे नहीं मिलेंगे हम जिम्मेदार नहीं पैसे देने के लिए। ये बुलेट पॉइंट वन है। हाँ, हो सकता है कि दूसरी पार्टी ने कहा यार परसों वो कंपनी इंटरेस्ट तो देने वाली है, तो तुम ऐसा करो आज दे दो तुम्हें 10,000 रुपये, कल को वो इंटरेस्ट देंगे तो उसमें से काट लेना, और अगर वो इंटरेस्ट ना दें या ना दें तो हमें ये वापस देगा। ये पॉइंट वन में लिखा हुआ है। पॉइंट वन पढ़ने पहले फिर टू और थ्री बताता हूँ। अच्छा, ये 1, 2, 3 क्या है? ये तीनों पूरी होंगी तो बी पूरा होगा, और ए और बी क्या है? ए और बी में से कोई एक होगा तो फिर ट्रांसफर है, और ट्रांसफर है तो फिर क्या है? फिर डीरेगनाइज कर देगा। ए या बी में से कोई भी हो गया तो वो ट्रांसफर है, और ट्रांसफर है तो बुक्स में से निकाल देंगे, तो वो फाइनेंशियल एसेट बुक्स में नहीं आ रहा होगा। पहली कंडीशन के पैसे हमें मिलने हैं तो आगे हमने देने। दूसरी कंडीशन, इसके हम लोग ऑफिशियल ओनर जरूर हैं लेकिन हम आगे किसी और दोबारा बेच सकते हैं किसी और को। क्यों? क्योंकि हमने इस पार्टी को बेच दिया हुआ है। ये दूसरी कंडीशन है। क्या सवाल किया था हमने? अब नहीं किया था।
अच्छा हाँ, सवाल ये है जी एक कि ये इतने ड्रामे करने की जरूरत ही क्या है, हम क्यों ऑफिशियली नहीं बेच देते? तो हो सकता है कि हम दूसरी पार्टी को ये कह रहे हो कि यार हमारी बैलेंस शीट बड़ी वीक हो गई है तो हमें ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स रखनी है ताकि उस पर फिर लीगली वालों को क्लेम कर सके कि देखो हमारी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, या फिर जिसको बेच रहे हैं हो सकता है वो अभी अपनी टैक्स रिटर्न्स में ना दिखाना चाहता हो, तो कोई भी मसला हो सकता है कि ऑफिशियली नहीं बेच रहे। हो सकता है जिनको बेच रहे हों वो लोग इंडिविजुअल्स हों, वो इस रफड़ में ना पढ़ना चाहते हों कि हमें अगर आपने डिबेंचर ओनर बना दिया तो हम कहाँ जाके उनसे इंटरेस्ट लेते फिरेंगे, बस आप अपने जानने वाले आप दे दिया करना पैसे, तो इसलिए हो सकता है कि हमने जिनको बेचा हो वो ऑफिशियली ना खरीदना चाह रहे हैं। अच्छा अब आप पूछें, क्या पूछ रहे हैं? उसके किसके? हो सकता है, तो फिर ऑफिशियल ट्रांसफर कर देते तो क्या था, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल है ये? नहीं, आप इस कंटिन्यूटी में कह रहे हैं कि ऑफिशियली क्यों नहीं बेच देते, या वैसे ही ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने किसी क्रेडिटर से चीज़ें खरीदी थी तो उसको पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे तो था कि उसको बेच दी, बिल्कुल ठीक है ट्रांसफर हो गया। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, अकाउंटिंग में तो हम इसको अपनी बुक्स में से निकाल देंगे लेकिन लीगली ओनर हम ही रहेंगे, हम एसेट ही निकाल देंगे अपनी बुक्स में से, ऑफिशियली हम पैसे लेंगे और पैसे दूसरी पार्टी तक पहुंचा देंगे। तीसरी कंडीशन, जैसे ही हमें पैसे मिलेंगे क्या करेंगे? पैसे मिलेंगे क्या करेंगे? उसे कैसे? जैसे ही हमें पैसे मिलेंगे हम फौरन के फौरन पे कर देंगे, और अगर वो भी दूसरे शहर गया हो तो तब तक अपने पास रख लें, प्राइस बॉन्ड खरीद लें, और अगर बॉन्ड निकला है तो वो भी सब उसी का, वो भी सब उसी का। जो पैसे हमें मिले हैं वो अमानत हैं, हम उस पैसे को कहीं टेम्परेरली इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, अगर कर दिया और कुछ कमा लिया तो वो सब भी उसी पार्टी का है। ये पॉइंट 3 है, है? पॉइंट 3 पढ़ लीजिए, तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है, नहीं आइए से तो देखें, सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, अब बाकी करने वालों की ईमानदारी अलग है। कहां पर? वही ना कि फौरन देने, कंपनी की जिम्मेदारी है कि जैसे ही इसको पैसे मिले फौरन अगर पहुंचाए, ये पहले सेंटेंस का मतलब है, विदाउट मटीरियल डिले तो वो भी दूसरी पार्टी का। देखो वो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बार बार वाली चीज है ना, हम तो आईएएस पढ़ रहे हैं। पॉइंट ए और बी में से कोई एक पूरा हुआ तो ट्रांसफर है, और ट्रांसफर है तो डीरेगनाइज कर देंगे, यानी बुक्स में से इन्वेस्टमेंट को निकाल देंगे। लेकिन बी के जो तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, ये तीनों कंडीशंस हैं, ये तीनों पूरी होंगी तो बी पूरा होगा। तीनों कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन ये है कि जैसे ही पैसे मिलेंगे वो ही हम देंगे, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम नहीं दे सकते। दूसरा सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि अगर दूसरी पार्टी ने ये कहा था कि तुम्हें कल को इंटरेस्ट वहां से मिल तो जाना ही है, वो तुमने मुझे देने तो है ही, अभी तुम उनमें से ही मुझे 10,000 रुपये एडवांस दे दो, तो अगर हमने उसको 10,000 एडवांस दे दिए और हमें वहां से इंटरेस्ट नहीं रिकवर हुआ तो फिर हम वो एडवांस वापस लेंगे उससे, ये लिखा हुआ है इसमें। दूसरी कंडीशन ये है कि हम किसी और को बेच ही नहीं सकते। तीसरी कंडीशन ये है कि हमारी जिम्मेदारी है जैसे ही पैसे मिले फौरन के फौरन आगे पहुंचाएं। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19, टॉप पे पॉइंट नंबर 4, बेच दिया एसेट, एसेट क्रेडिट, कैश डेबिट, या अभी कैश नहीं डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, और ये दोनों बराबर होंगे तो इस पे गेन लॉस आएगा, वो गेन लॉस पीएनएल में जाएगा। और एसेट को क्रेडिट करने से पहले जिस तरह पहले वो बुक्स में कैरी हो रहा था उस पे अपडेट करेंगे, ये बात पहले भी मैं क्लासिफिकेशन मेजरमेंट में बता चुका हूँ। तो पेज नंबर 19 टॉप पे पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें, पेज नंबर 19 टॉप पे पॉइंट 4 पढ़ लें, पॉइंट 5 नहीं लेकिन पॉइंट 5 के नीचे वाला डब्बा पढ़ लें, दोनों डब्बे पढ़ लें। पेज 19 के टॉप पे पॉइंट 4 पढ़ें, फिर पॉइंट 5 के नीचे वाला एक डब्बा पढ़ें,
ये पहले बता चुका हूँ, और दूसरे डब्बे का ये पहला वाला पैराग्राफ पढ़े, ये सब बता चुका हूँ पहले। जी अभी सेट थ्री नहीं खत्म नहीं होगा, कल चलेगा ये। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चंस में पेज 34 पे आए, और ये मैं आपको मेजरमेंट में करा चुका हुआ हूँ, खुद बोर्ड पे सॉल्व कर चुका हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रिवीजन के लिए, क्योंकि डीरेकग्निशन पढ़ा रहा था, सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 और 5 बनाया है, अदरवाइज ये मैं खुद बोर्ड पे सॉल्व कर चुका हूँ, बस मैंने वैल्यूज चेंज करके दोबारा सवाल लिया है। हस्बे तौफीक बोलूँगा तो किसी को तौफीक नहीं होनी, इसलिए अभी देख लें प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। सेट 3 पढ़ा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में 34 पेज यानी 8.2.34, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। ये मैं मेजरमेंट में करा चुका हुआ हूँ, बोर्ड पे भी सॉल्व कर चुका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी चलें रिवीजन के लिए सही दोबारा देख लें। घर से करने को कहूँगा तो कोई नहीं करेंगे। पहला पैराग्राफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 सॉल्व करना है, सॉल्व कर दें जो अच्छे बच्चे हैं, और जो अच्छे बच्चे नहीं हैं वो जबानी देख दें। सेम वही जो मेजरमेंट में करा चुका हूँ मैं, आई एस 21 नहीं हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल हो सकते हैं, वो भी डीरेकग्निशन ही थी, उसमें सेल ऑफ एसेट डीरेकग्निशन ही था, तो वहां भी कर चुके हैं ये चीज। ये मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए डाले थे प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 और 5। ईमानदारी से दबानी भी देख ले तो भी बहुत है, लेकिन सिर्फ मुंह नीचे करके बैठे अगर धोखे देने के लिए तो फिर ऐसे ना करें। परचेज डेट किधर बताइए वैसे? क्वेश्चन 4 पूछ रहे हैं, 5 पूछ रहे हैं? एमोर्टाइज कॉस्ट चलाना पड़ेगा ना शुरू से टेबल। 4 शेयर्स वाला है, 5 डिबेंचर्स वाला है। 4 कर लिया, आप सवाल नहीं कर रहे। Thank you.
शेयर्स में करते हैं। क्वेश्चन 4 कर लिया, तो जो पिछले साल अपडेट कर लिया था वहां तक तो कर लिया था, अब डीरेकग्निशन के टाइम पे 62 पे अपडेट करेंगे, क्योंकि 68 पे अपडेट करेंगे, और फिर बेचते हुए मजीद जो गेन लॉस होगा वो अलग रिकॉर्ड करेंगे, और इसमें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले का फेयर वैल्यू रिजर्व पीएनएल में क्यों ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि ये शेयर्स हैं, शेयर्स में नहीं करते होते ट्रांसफर, डिबेंचर्स वाले में करते होते हैं। रिटेन अर्निंग में जा सकता है, जी 4-5 बस, जो लोग भी जाग रहे हैं होश में हैं। नहीं किया ना, नहीं किया, पढ़ लिया था 4 ठीक लिखा हुआ था, ऐसे करते कुछ पहले की गलती तो नहीं लगी। ठीक है यार, अच्छा मैं ना आपको बाकी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ बाद में, उससे पहले ना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हुए 2 सवाल कराने लगा आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 करने में पढ़े, मैं बोर्ड पे करता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़िए, इसमें क्या है, इसका डीरेकग्निशन से क्या लिंक है, मैं आपको पहले सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सिखाऊंगा और फिर उसके बाद आईएएस की अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़िए, मैं करता हूँ बोर्ड पे।
क्योंकि सवाल किए बगैर मुश्किल हो जाएगी अंग्रेजी, वैसे तो सवाल करने के बाद भी मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सवाल समझ आ गए तो अंग्रेजी अगर ऊपर से भी गई तो खैर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़िए, मैं करता हूं। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ लिया। हम कौन है? ZL। हमारे पास कुछ डिवेंचर्स थे, हमारी वो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स थी। हमने एक पार्टी HF को वो डिवेंचर्स बेच दिए, ऑफिशियली बेच दिए, लीगली बेच दिए, लेकिन साथ ही एग्रीमेंट कर लिया कि 2 साल बाद हम आपसे ये डिवेंचर्स वापस खरीदेंगे। चूंकि आज ही बेचे और आज ही दोबारा खरीदने का वादा भी कर लिया, अब वो बाउंड है हमें 2 साल बाद बेचने के लिए। इस पूरी कार्रवाई को कहते हैं सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट, सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। अगर हमने कोई चीज बेची हो और साथ ही साथ उसको दोबारा खरीदना भी लॉक कर लिया हो, इसको सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें दो बातें, सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट में दो बातें होती हैं, सवाल में नहीं, सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट में दो बातें होती हैं। हम हैं ZL और दूसरा है HF। आज हमने इसको बेचा कितने का? 120 का। कल वापस हम रीपरचेज कितने का करेंगे? 132 का। HF को इस पे प्रॉफिट होगा? दोबारा देखें, हमने इसको बेचा है 120 का और अभी ही तय कर लिया कि 2 साल बाद 132 का खरीद लेंगे। इसको आज ये 120 का मिल रहा है क्योंकि ये 120 कैश दे रहा है हमें और डिवेंचर्स ले रहा है, और कल को हमसे 132 कैश लेके हमें डिवेंचर वापस कर देगा, और इसके अलावा 2 साल का इंटरेस्ट भी यही लेगा। तो इसको 2 साल बाद कितना प्रॉफिट होना है, ये बात अभी ही पता है या पता नहीं कितना होगा? अभी अभी ही पता है। हाँ, ये तय हो गया कि 132 का बेचना है, इररिस्पेक्टिव के तब मार्केट में डिवेंचर्स कितने के होंगे। तो इसने जितने के आज खरीदे, मैं अब इसकी बात कर रहा हूं, हमने बेचे हैं, मैं यहां खड़ा हूं, HF ने जितने के आज खरीदे, खरीदे के बेचे, खरीदे HF, उससे महंगे कल बेचेगा, और यह बात अभी ही तय हो गई। और कल को इन डिवेंचर्स की कीमत मार्केट में बढ़े या कम हो, किसका फायदा नुकसान है? सारा ZL का। अगर कल को मार्केट में ये 132 की बजाय 1,32,00,000 की क्यों ना हो जाए, ये हमें 132 की बेचेगा, और अगर कल को ये मार्केट में 2 रुपए की क्यों ना रह जाए, हमें फिर भी 132 की बेचेगा। इस ट्रांजैक्शन से पहले इधर, अभी जब ZL ने शेयर्स डिबेंचर्स नहीं बेचे थे, तो इन डिबेंचर्स की कीमत बढ़ने कम होने का रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका था? ZL का। फिर सुने, अभी ZL ने नहीं बेचे थे, इसकी वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, रिस्क किसका? ZL का। अब इसने बेच दिए, अब इन डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू कम ज्यादा होने का रिस्क रिवॉर्ड किसका है? अब भी ZL का ही है, क्योंकि कल को ये 132 का ही खरीदने वाला है, चाहे कल को डिबेंचर्स मार्केट में जितने के मर्जी हो, ये 132 का ही वापस खरीदने वाला है। तो इन डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू का रिस्क या रिवॉर्ड बेचने से पहले ZL का ही था, बेचने के बावजूद भी ZL का है, तो टेक्निकली इन सब्सटेंस ये इन्वेस्टमेंट इसने बेची ही नहीं। ये ऐसे ही है कि लीगली बेशक ये बेच और बाद में खरीद रहा है, लेकिन इन सब्सटेंस ये उससे 120 रुपए आज ले रहा है, बदले में इन्वेस्टमेंट्स गिरवी रख रहा है, कल को 132 बना के वापस करेगा और इन्वेस्टमेंट वापस ले आएगा। तो इन सब्सटेंस ये इन्वेस्टमेंट बेच ही नहीं रहा, बल्कि 120 रुपए का लोन ले रहा है।
तो इन सब्सटेंस ये एसेट नहीं बेच रहा, ये लोन ले रहा है वो इन्वेस्टमेंट गिरवी रख के। तो अकाउंटिंग भी ऐसे ही होगी कि इन्वेस्टमेंट इसकी बुक्स में ही आती रहेगी और इस 120 को एज अ लोन ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये अमाउंट तय ना हुई होती, नहीं नहीं तय ना हुई होती, लेकिन ये तय हो गया होता कि 120 प्लस 20% पे ही खरीदना है, तो भी अमाउंट तय है। लेकिन अगर अमाउंट तय ना हुई होती और ये कहा होता कि मार्केट में तब जितने का भी हुआ उतने का बेच देना, फिर हो गया होता रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, फिर ये बेचना होता। तो सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रहे तो आज इन्वेस्टमेंट बेचना बेचना ही नहीं है। लेकिन अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर आज इन्वेस्टमेंट बेचना बेचना है, और कल को जब खरीदेगा तो तब वो खरीदना होगा। ये मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है, अभी सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझें। रीपरचेज सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट, ये दोनों बातें आज ही तय हो रही होती हैं। सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर सेल है, और अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रहे तो फिर वो सेल ही नहीं है, एक सिक्योर्ड बोरिंग है। तो इस सवाल में क्या हो रहा है, सिक्योर्ड बोरिंग है। अब आपसे पूछिए एंट्री जीएल की बुक्स में, तो फर्स्ट जनवरी कब, फर्स्ट जनवरी 19 इन्वेस्टमेंट बेशक लीगली बेच दी लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए, इसलिए ये कैश डेबिट और अपने पास एक फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट करेगा, और इसके लिए रेपो का वर्ड यूज होता है, तो इसलिए आप भी कर लें। रेपो कहते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट के लिए, रेपो का टर्म यूज होता है इसके लिए। कितने से एंट्री करूं, कितने मिले पैसे, 240 अच्छा, अब ना हर ईयर एंड पे दो काम होंगे, इन्वेस्टमेंट तो चलेगी जैसे चल रही थी, ये लायबिलिटी भी अब आगे वो अमॉर्टाइज कॉस्ट कितना चलनी शुरू हो जाएगी, यानी दो टेबल बनेंगे। दोनों टेबल बना के दिखाता हूं, ये हमने ये डिबेंचर खरीदे कब थे, अभी या पुराने थे, पुराने थे। अच्छा, वो जब पुराने थे तो उनका ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा था, जिस दिन हमने इसको बेचा तो ये हमारी बुक्स में कितने के आ रहे थे, या परचेज डेट बताइए, शायद परचेज डेट बताई हुई। हाँ, तो फिर हमें शुरू से चलाना पड़ेगा। ओपनिंग कितना, जब डिबेंचर खरीदे थे तो कितने के खरीदे थे, 105 इंटू 2000, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी थी, कितना हो गया 216, और हमारा अपना इन्वेस्टमेंट का इफेक्टिव रेट क्या था, 2, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो 2, 31 December 19, 25430 30,000 207 350 31 December 20 2022 2020 तक की एंट्री सही है ना। एक ये टेबल बनेगा और एक लायबिलिटी वाला टेबल भी बनेगा। लायबिलिटी वाला टेबल कौन सा, ये हमने एक लोन टाइप बना लिया है, तो अब इस लोन का टेबल बनेगा, और इस लोन का आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताया हुआ कितना, तो अब इस लोन वाला टेबल बना लेते हैं। इकतीस दिसंबर 19, अब इस लोन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या, 240, इफेक्टिव रेट लगाएं 410, 30,000 देंगे उसको, 30,000 मिलेगा उसको दे देंगे, इनफैक्ट उसी को मिलेगा क्योंकि लीगल ओनर वही होगा, 5105, और 31 दिसंबर 20 को भी 429,46, तो उसको 30,000 तो वहां से मिल जाएगा, और हम उसको कितने पैसे दे के, 132 देखें
30 तो उसको मिलेगा वो इंटरेस्ट वाला, और हम उसको कितने रुपए देके डिवेंचर वापस ले लेंगे, 132 इंटू 2000 264, तो 294 देंगे और देखें जीरो हो रहा होगा इंशाल्लाह। तो ये लायबिलिटी की कैलकुलेशन साथ साथ चलेगी और एसेट की तो पहले जैसी चल ही रही होगी। तो 31 दिसंबर 2019 पे ये वाली एंट्री भी, ये वाली एंट्री भी, 31 दिसंबर 2019 एसेट वाली एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 25430, लायबिलिटी वाली एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 41054। कैश मिलेगा कि देंगे? कैश डायरेक्टली उस तक पहुंचेगा, लेकिन वो मिल उस इन्वेस्टमेंट से रहा होगा जिसको हमने इन्वेस्टमेंट कहा हुआ है। तो कैश चूंकि मिल गया तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और डायरेक्टली उस एचएफ को चला गया तो लायबिलिटी डेबिट 30,000। और इसी तरह 2020 में ये इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, लायबिलिटी डेबिट किधर गया, लायबिलिटी डेबिट मैं कर देता हूं बल्कि इकतीस दिसंबर 2019-20 इनकम की एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री 4296। और अब हमने लायबिलिटी खत्म कर दी कितने से 294, क्रेडिट क्या करूं, कैश 264 और वो जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन उनको चला गया 30। लायबिलिटी खत्म, अब ऑनवर्ड एसेट जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट यही वाली ना, रेपो डन। चलिए एक छोटा सा सवाल और देखें बस, बाकी अंग्रेजी में कल पढ़ाऊंगा। इसमें जो पूछना है पूछ लें, इसमें जो पूछना है पूछें। 30 क्या ये जो हमने उससे आज 240 लिया उसको क्या मिलेगा, 2 साल का 30,000 भी वही ले जाएगा और एंड पे 264 भी हम देंगे उसको, तो वो जो 30,000 वही ले जाएगा वो था जो हमें मिलने वाला था, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करेंगे और चूंकि वो ले जाएगा तो लायबिलिटी डेबिट कर देंगे। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप ऐसे समझ लें कि हम पहले डिबेंचर्स का इंटरेस्ट लेंगे, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फिर उसको पे कर देंगे लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ जी चलें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़ लें, इनकी अंग्रेजियां फिर मैं मुश्किल वाली कल पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बस। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 डन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 भी छोटा सा वो देख लें। एचएफ ने इसको ऐसे ही समझा होगा जैसे मैंने किसी को लोन दिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 कहां है पढ़ ले, इंटरेस्ट इनकम तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ही होगी ना, हमारा इन्वेस्टमेंट भी एसेट चल रहा है
वो अपनी अकाउंटिंग होती रहेगी, लायबिलिटी अलग चलनी शुरू होगी, बस सिर्फ कैश फ्लो उधर से आके उधर चला जाएगा, बाकी इंटरेस्ट इनकम की जैसे अकाउंटिंग हो रही थी वैसे ही होती रहेगी, और लायबिलिटी बना लिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की अकाउंटिंग भी आ जाएगी। यार ये सारा हो गया कवर, रियान जाग रहे हो? वो सारा, वो भी, ये भी, ये नोटेड मिटा दे। क्वेश्चन 8, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 का है पढ़ने को, समझ कुछ नहीं आया। डेटर से पैसे लेने हैं हमने, हमारे डेटर्स हैं, फैक्टर होता है बदमाश, हम वो डेटर फैक्टर के हवाले कर देते हैं, वो हमें पैसे लेके देगा। अगर फैक्टरिंग विद रिकोर्स है तो फिर वो फैक्टर बदमाश नहीं है, वो शरीफ इंसान है, वो सिर्फ हमारे बिहाफ पे एजेंट बन के डेटर के पास जाएगा, बड़े अदब से पैसों की डिमांड करेगा, अगर डेटर ने पैसे दे दिए तो लेके आ जाएगा, नहीं दिए तो आके वापस आके हमें बता देगा पैसे नहीं मिले। ये है विद रिकोर्स। अगर ऐसे में फैक्टर से कुछ पैसे हमने एडवांस ले लिए होते और अगर डेटर पैसे दे देता तो वो अपने पैसे काट के फैक्टर बाकी हमें देता और इस सर्विस के वो पैसे भी लेता, और अगर वो डेटर पैसे ना देता तो फैक्टर आके हमसे एडवांस लेता, और उसने एडवांस हमें एवी नहीं दिया होता, उस पर इंटरेस्ट भी लेता हमसे। ये है फैक्टर विद रिकोर्स। अच्छा, इस सूरत में डेटर से पैसे मिले या ना मिले, रिस्क किसका है? हमारा। तो हमने डेटर नहीं बेचे, डेटर हमारा ही एसेट रहेगा, डेटर हमारी बुक से नहीं खत्म होगा। दोबारा, फैक्टर विद रिकोर्स का मतलब यह है, फैक्टर है हमारा एजेंट जो हमें डेटर से पैसे रिकवर करके देगा। अच्छा, डेटर से पैसे रिकवरी करना ना एक बड़ी टेंशन होती है, तो इसलिए बिजनेस को आउटसोर्स भी कर देते हैं। तो फैक्टर हमारा एजेंट है जो हमें डेटर से पैसे निकलवा के देगा। जैसे आप लोग है ना फीस नहीं दे रहे होते तो फिर इधर दरवाजे पर गुना को आके खड़ा हो जाएगा, फिर आपको रोकेगा। तो अब हो सकता है वो पैक के एम्प्लॉई हो सकता है इन्होंने कुछ लोग हायर किए हो कि पैसे निकलवा के दो। तो फैक्टर विद रिकोर्स का मतलब है कि हम डेटर के पास फैक्टर को एजेंट बना के भेज रहे हैं, पैसे निकल आए तो हमें ला के दे देगा, नहीं निकले तो बता देगा आके, और अगर फैक्टर से एडवांस ले लिया होगा तो उस पर वो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा, और कल को डेटर से पैसे रिकवर हो गए तो अपने पैसे रख के बाकी हमें दे देगा, और अगर नया रिकवर हुए तो एडवांस भी हमसे वापस लेगा। इसमें पॉइंट नंबर वन क्या है? विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स, विद रिकोर्स। तो आज 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2018, 2019, 2020, 2019 हम फैक्टर से ले रहे हैं थोड़े से पैसे। पॉइंट नंबर वन, फैक्टर को विद रिकोर्स डेटर्स की जिम्मेदारी दी है, तो डेटर्स का पैसा डूबना ना डूबना रिस्क किसका है? तो डेटर हमारा ही रहेगा, मतलब डेटर डीरेकनाइज नहीं होगा, तो वो जो फैक्टर से हम एडवांस ले रहे हैं वो हमारा लोन है, तो उसकी हम एक लायबिलिटी बना लेंगे। कितना ले रहे हैं? 560। कैसे बना 560? 8 लाख का 70% हम उससे एडवांस ले रहे हैं। 31 दिसंबर को डेटर ने पैसे दे दिए, कितने थे डेटर्स? दे दिए उन्होंने पैसे, डेटर्स क्रेडिट। अब ये जो फैक्टर था ये हमसे एक तो 1 महीने का इंटरेस्ट लेगा, उसके अलावा हमसे सर्विस चार्जेस लेगा, अपने पैसे काटेगा, बाकी हमें दे देगा। तो बाकी बाद में करते हैं, इंटरेस्ट लेगा वो हमसे कितने? 5.60 का
1% पर मंथ, तो एक महीने हुआ ना। सर्विस चार्जेस लेगा, अपने पैसे काटेगा, और बाकी जो बचा हमें कैश दे देगा। 226 ये है फैक्टरिंग विद रिकोर्स। डेटर हमारी बुक्स में ही रहेगा, और अगर डेटर मुकर जाता तो, हाँ जी, तो ये सारे पैसे उसको वापस करते और डेटर बैड डेट हो जाता। ये सारे नहीं, ये सारे डेबिट कैश क्रेडिट, और बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। ये डेबिट कैश क्रेडिट क्योंकि इस फैक्टर को कैश वापस करते, ये सब डेबिट कैश क्रेडिट। फैक्टर फारिग, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर भी फारिग। नहीं नहीं, ये बदमाश, ये विद रिकोर्स बदमाश नहीं है। नहीं, अब हमने उसका एक महीना पैसा इस्तेमाल किया ना, तो उस पर इंटरेस्ट तो देंगे, और वो हमारे लिए गया भी था डेटर से बात करने, सर्विस चार्जेस भी देंगे। अगर डेटर पैसे ना देते तो ये तीनों तो डेबिट होने ही है, साथ हम उसको कैश देते कैश क्रेडिट, और डेटर चूंकि अब नहीं है तो बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। पॉइंट वन, पॉइंट टू, विदाउट रिकोर्स, इसमें है फैक्टर बदमाश। अब वो डेटर से पैसे निकलवाए या ना निकलवाए उसकी टेंशन है। निकलवा लेगा तो भी हमें नहीं बताएगा, नहीं निकलवा सकेगा तो भी हमें तो फिर भी नहीं बताएगा, वो बदमाशी किस बात की रही थी। तो इसलिए हमें इन एनी केस वो पैसे देगा। अब वो डेटर से 8 लाख निकलवाए कि 80 लाख निकलवाए, वो उसका मसला है। हमारे लिए क्या रेलिवेंट हुआ कि हमने डेटर की जिम्मेदारी उसको सौंप दी, अब डेटर हमारे पास से खत्म, तो डेटर डी रिकॉग्नाइज कर देंगे हम। तो इसमें फैक्टरिंग विद रिकोर्स में डेटर हम नहीं बेच रहे, विदाउट रिकोर्स में हम डेटर बेच रहे हैं। तो विदाउट रिकोर्स में 1 दिसंबर 2019 को डेटर हम निकाल देंगे बुक से 8 लाख, 5 लाख कैश मिल रहा है 4 लाख, बाकी 70,000 वो महीने बाद देगा, तो वो हम फैक्टर का रिसीवेबल बना लेंगे, और बाकी 30,000 वो हमारे इस बदमाश के चार्जेस बन गए। क्या लिखा हुआ विदाउट रिकोर्स? विदाउट रिकोर्स है तो बदमाश है, विद रिकोर्स है तो शरीफ सा एजेंडा है। अगर विद रिकोर्स है तो डेटर हमारा ही है, विदाउट रिकोर्स है तो डेटर जाने और वो जाने। नहीं नहीं, क्वेश्चन बताएगा, ये क्वेश्चन बताएगा कि विद रिकोर्स है कि विदाउट रिकोर्स है। और जब 31 दिसंबर को वो 70,000 में दे देगा तो कैश डेबिट और ये फैक्टर का रिसीवेबल क्रेडिट। है जी, दोबारा राबता कर सकता है वो हमसे, यानी फैक्टर को हमने कहा ये डेटर से तुम पैसे देना, अगर उसने इनकार किया तो हमारे पास दोबारा आ जाना, तो ये रिकोर्स है। और विदाउट रिकोर्स अब डेटर, अब वो फैक्टर कहेगा जी बस आप जान, मैं जानूँ और डेटर जाने, मैं दोबारा नहीं आऊँगा आपके पास। अब वैसे तो घड़ी या टाइम देख के आप वैसी तबीयत बोझल हो जाती है, इसमें मैं ये भी अगर डाल दूं तो अच्छा।